जहां हरियाली वहां खुशहाली। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में, जिसमें मैं आज आपको सीड ट्रे से सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कब करें के बारे में बताने जा रही हूं। बीज से पौधे उगाना किसी भी गार्डनर के लिए एक रोमांचक अनुभव होता है। बीज से उगते हुए छोटे छोटे अंकुरित पौधों को देख प्रत्येक गार्डनर एक अलग ही खुशी का अनुभव करते हैं। जब पौधे पर्याप्त लंबाई और आकार में डेवलप हो जाते हैं, तब समय आता है सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने का। आमतौर पर पौधे के बेहतर विकास के लिए सीडलिंग को सही समय पर ट्रांसप्लांट करना बहुत जरूरी होता है। यदि पौधों को बहुत जल्दी या देरी से ट्रांसप्लांट किया गया तो नाजुक पौधे खराब हो सकते हैं। आज मैं आपको सीड ट्रे से सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कब और कैसे करें इनकी जानकारी दूंगी। इसके अलावा आप सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने का सही समय और स्थिति के बारे में भी जानेंगे। ट्रांसप्लांटिंग छोटे पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है, ताकि उन्हें बढ़ने और विकसित होने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। आमतौर पर अधिकांश पौधों के बीज को जर्मिनेट करने के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण में लगाया जाता है, जिसे सीडलिंग कहा जाता है। बीज जर्मिनेट होने के बाद जब पौधे 6 से 8 इंच लंबाई के हो जाते हैं, तब उन्हें अच्छी तरह बढ़ने के लिए भारी वातावरण जैसे गार्डन के ग्रो बैग्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग के दौरान पौधों की जड़ों के विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान, बेहतर विकास के लिए पौधों के बीच की दूरी निश्चित की जाती है। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं, सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कब करें। वेन टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स। सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए, ये बात पौधे पर निर्भर करती है। कुछ पौधे जैसे प्याज और लेट्यूस, ये ठंडे मौसम की सब्जियां हैं, अतः इन्हें बहुत गर्म तापमान होने से पहले लगाया जाना चाहिए। तथा कुछ सब्जियां जैसे टमाटर और मिर्च, ये गर्म मौसम में अच्छी तरह उगती हैं। इन्हें पॉटिंग मिक्सचर गर्म हो जाने पर ही बाहर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। आप सीडलिंग को निम्न समय पर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे पहले पत्तियों का सेट तैयार हो जाने के बाद, सीड जर्मिनेट होने के बाद अंकुरों के बीच पत्र आते हैं, तथा बीच पत्र के बाद पत्तियों का नया सेट तैयार हो जाता है। एक बार जब पत्तियों का नया सेट तैयार हो जाता है, तब ये संकेत बताता है कि सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार है। दूसरा, स्प्राउट्स पौधों का आकार। जब आपकी सीडलिंग्स के छोटे पौधों की लंबाई लगभग 4 से 8 इंच हो जाती है, तब ये वे समय है जब आप उन्हें बाहर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तीसरा, पर्याप्त रूट डेवलपमेंट हो जाने पर। ट्रांसप्लांटिंग से पहले पौधों की जड़ के विकास का एस्टिमेशन करना महत्वपूर्ण है। सीलिंग ट्रे से कुछ पौधे उठाएं और जड़ों की स्थिति की जांच करें। यदि रूट सिस्टम अच्छी तरह से विकसित हो गई है, तो आप सैपलिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियां और अनुकूल मौसम होने पर पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले अपने क्षेत्र की बाहरी परिस्थितियों और मौसम पर विचार करें। जिस प्रकार बहुत ठंडा तापमान पौधों को मार सकता है, उसी प्रकार बहुत अधिक तापमान से भी पौधे झुलस सकते हैं। अतः पौधे की ग्रोइंग कंडीशन के अनुकूल मौसम होने की प्रतीक्षा करें। सीडलिंग्स को हार्ड करें, हार्डन ऑफ द सीडलिंग्स। आमतौर पर छोटे नन्हे पौधों को अनुकूल परिस्थितियों में उगाया जाता है, जिससे इन्हें बाहर ट्रांसप्लांट करने से पहले सीडलिंग हार्डनिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि आप उन्हें सीधे गार्डनर्स में ट्रांसप्लांट कर देंगे, तो वह अधिक तापमान और सीधी धूप को सहन नहीं कर पाएंगे, जिससे उनकी ग्रोथ भी प्रभावित हो सकती है। अतः इस ट्रांसप्लांटिंग शॉक को कम करने के लिए अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने के 7 से 10 दिन पहले प्रतिदिन कुछ घंटों की धूप दिखाएं और पॉटिंग मिक्सचर को लगातार नम रखें। इसके बाद आप पौधों को इम्प्लांटेड कर सकते हैं। सीड ट्रे से सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कैसे करें। हाउ टू ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स फ्रॉम सीड ट्रे। यदि आप सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इसी ट्रांसप्लांट करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। इससे पौधे धीरे धीरे धूप के संपर्क में आते हैं। आप अपनी सीडलिंग्स को बादल वाले दिन, अर्थात जिस दिन तेज धूप ना हो, उस दिन भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सीड ट्रे से सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के कुछ स्टेप्स निम्न हैं। सबसे पहले ग्रो बैग्स में पॉटिंग मिक्स भरें। पौधे लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि मिक्सचर नम हो।
अब पॉटिंग मिक्सर में पौधे के रूट बॉल से बड़ा होल बनाएं। सीलिंग ट्रे से पौधों के तने से पकड़कर सावधानी पूर्वक बाहर निकालें। इसके बाद पौधों को उचित गहराई में लगाएं। पौधे के आसपास पॉटिंग मिक्सर डालें, जिससे वह बिना किसी सहारे से स्थापित हो जाए। ग्रो बैग में पौधा लगाने के बाद वाटर कैन की मदद से गहराई में पानी दें। ग्रो बैग्स में सीलिंग ट्रांसप्लांटिंग के कुछ दिनों बाद पौधों को अच्छी तरह बढ़ने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर जैसे कि उमाहा ग्रो मीडिया, उमाहा सॉइल बूस्टर आदि दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि सीड ट्रे से सीलिंग को ट्रांसप्लांट कब और कैसे किया जाता है, सीलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने का सही समय के बारे में। अगर आप भी अपनी इन सीलिंग्स को उगाना चाहते हो तो उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में पौधे जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी अच्छे और फास्ट देते हैं। उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर एक ऐसा सॉइललेस, केमिकल फ्री, नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक मीडियम है। आप उमाहा ग्रो मीडिया को डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क करके भी खरीद सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।